Okay students, today we will discuss Lewis concept of acid and base. लास्ट वीडियो के अंदर हमने ब्रॉन्साइट लॉरी कॉन्सेप्ट जो है वो एसिड और बेस से रिलेटेड वो डिस्कस कर लिया था. आज हम बात कर रहे हैं लुईस कॉन्सेप्ट ऑफ एसिड एंड बेस. देखिए एसिड और बेस से रिलेटेड जो है वो बहुत सारी डेफिनेशन जो है वो प्रोवाइड की गई थी, जिसके अंदर थर्ड कॉन्सेप्ट जो है वो हमारा है लुईस कॉन्सेप्ट ऑफ एसिड एंड बेस. अकॉर्डिंग टू लुईस एसिड आर सब्सटेंस विच एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन पेयर. मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है ये, विच सब्सटेंस विच एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन पेयर आर कॉल्ड एसिड अकॉर्डिंग टू लुईस कॉन्सेप्ट. एग्जाम्पल्स BF3, AlCl3, मैग्नीशियम आयंस, सोडियम आयंस एटसेट्रा एटसेट्रा. ओके नेक्स्ट, इसको हम इस तरह से भी बता सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड्स आर एसिड, यानी कि ऐसे सब्सटेंस जिसमें इलेक्ट्रॉन पेयर्स की क्या होती है, डेफिशिएंसी होती है, यानी कि इलेक्ट्रॉन पेयर्स कम प्रेजेंट होता है, तो उसके अंदर क्या हो सकता है, उसे हम क्या बता सकते हैं, एसिड बता सकते हैं. एग्जांपल देखिए BF3 का आप एग्जांपल देखिए, अपने 9th क्लास के अंदर जो है वो बात ये स्टडी कर लिया था, जिसके अंदर हमने बात की थी एटॉमिक नंबर्स के बारे में हमने बात कर ली थी. इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है वो हमने 9th क्लास के अंदर देख लिया था. बोरॉन जो एलिमेंट है इसका नंबर ऑफ एटम्स होता है आपके 5. इसके आउटर मोस्ट सेल के अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे आपके 3. लाइक एज ये 3 इलेक्ट्रॉन्स इसके आउटर मोस्ट सेल के अंदर प्रेजेंट होते हैं. बोरॉन 3 फ्लोराइड आयंस के साथ में, फ्लोरीन आयंस के साथ में क्या कर लेता है, बॉन्डिंग कर लेता है. तो इसके पास में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो गए आपके कितने, 6. यानी कि 3 इलेक्ट्रॉन्स तो इसके खुद के होंगे और 3 इलेक्ट्रॉन्स ये किससे ले रहा है, फ्लोरीन से ले रहा है. क्लियर है. अब इसके पास में अभी भी 2 इलेक्ट्रॉन्स डेफिशिएंट होते हैं. देखिए अकॉर्डिंग टू ऑक्टेंट रूल जो है वो स्टेबल होने के लिए, किसी भी कंपाउंड को स्टेबल होने के लिए उसके आउटर मोस्ट सेल के अंदर जो है वो 8 इलेक्ट्रॉन्स का जो कॉन्फ़िगरेशन है वो कंप्लीट होना चाहिए. तो देखिए इसके पास में जो है वो 3 इलेक्ट्रॉन्स तो खुद के होंगे, 3 इलेक्ट्रॉन्स जो है वो इसके पास में फ्लोराइड्स के आ गए, बट 2 इलेक्ट्रॉन्स की अभी भी इसके पास में क्या है, डेफिशिएंसी है. तो ऐसी कंडीशन में जो BF3 है, ये BF3 बन गया बोरॉन और 3 फ्लोराइड आयंस, तो BF3 जो होगा वो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट कर सकता है. तो हमारी डेफिनेशन क्या है, एसिड आर सब्सटेंस विच एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन पेयर. तो जो इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट कर सकता है वो क्या होगा, आपके एसिड होगा. ओके नेक्स्ट, बेस आर सब्सटेंस दैट डोनेट्स इलेक्ट्रॉन पेयर. अकॉर्डिंग टू लुईस बेस आर सब्सटेंस दैट डोनेट्स इलेक्ट्रॉन पेयर, ऐसे सब्सटेंस जो इलेक्ट्रॉन पेयर्स को क्या करते हैं, डोनेट कर सकते हैं, उन्हें क्या कहा जाता है, आपके बेस कहा जाता है. लाइक एज आप NH3 का एग्जांपल देखिए, NH3 के एग्जांपल से आपको पता चलेगा कि इसके पास में इलेक्ट्रॉन पेयर कैसे बने हैं. देखिए नाइट्रोजन का नंबर ऑफ एटम्स होगा आपके 7. इसके आउटर मोस्ट सेल के अंदर आपके इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं 5 इलेक्ट्रॉन्स जो है वो उसके आउटर मोस्ट सेल के अंदर प्रेजेंट होंगे. अब ये नाइट्रोजन 3 हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स के साथ में क्या करेगा, बॉन्डिंग करेगा. तो 3 हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स इसके साथ में अटैच हो गए. ये 3 हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स इसके साथ में अटैच हो गए और नाइट्रोजन के पास में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो गए आपके कितने, 5 एंड 3 8. बट 2 इलेक्ट्रॉन्स जो है वो अभी भी अनपेयर फॉर्म के अंदर प्रेजेंट है, यानी कि वो जो है वो पेयर बना सकते हैं. इसके पास में 2 इलेक्ट्रॉन्स जो है वो अभी भी क्या है, एक्सेस है, मतलब ज्यादा है. तो ये NH3 जो है वो क्या कर सकता है, इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट कर सकता है. तो दो सब्सटेंस that donates electron pair, these are called base. यानी कि जो जिनके पास में भी electron pair extra होगा वो सब क्या होंगे, base होंगे.
तो आप सीधे तरीके से ये भी बता सकते हैं कि जो कैटायंस होते हैं, कैटायंस जो भी होंगे वो सारे क्या होंगे, एसिड होंगे, और एनायंस जो भी होते हैं वो सारे क्या बनाते हैं, आपके बेस बनाते हैं। तो यहां पर मैंने एक रिएक्शन शो कर रखी है, BF3 और NH3 ये दोनों आपस में रिएक्ट कर रहे हैं, और ऐसी कंडीशन में इन दोनों के बीच में क्या बन जाता है, एक कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बन जाता है। यानी कि जब एसिड और बेस, यहां पर ये तो हो जाएगा एसिड और ये बन जाएगा बेस, ये दोनों आपस में रिएक्ट करके क्या बना लेते हैं, एक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बना लेते हैं, जिसे कहा जाता है लुईस कंपाउंड, या जिसे लुईस एसिड बेस कंपाउंड भी जो है वो कहा जा सकता है। क्लियर हो गई बात? तो ये तो हो गई आपके लुईस कॉन्सेप्ट ऑफ एसिड एंड बेस। क्लियर है? नेक्स्ट हम बात करते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड एंड बेस। एसिड और बेस की कौन कौन सी प्रॉपर्टीज है, हमने स्टार्टिंग के अंदर भी कुछ प्रॉपर्टीज जो है वो डिस्कस की थी। जो एसिड्स होते हैं उनका टेस्ट सॉर होता है, और बेस का जो टेस्ट होता है वो कैसा होता है, कह सकते हैं कि बिटर टेस्ट होता है। और बात की थी हमने लिटमस की, तो देखते हैं फर्स्ट प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड एंड बेस। एसिड टर्न्स ब्लू लिटमस इनटू रेड। लिटमस पेपर जो है वो हम एसिड और बेस को जो है वो फाइंड करने के लिए यूज करते हैं। तो एसिड जो होता है वो ब्लू लिटमस को किसमें कन्वर्ट कर देते हैं, रेड में कन्वर्ट कर देते हैं, एंड बेस टर्न्स रेड इनटू ब्लू, यानी कि जो बेस होंगे वो रेड लिटमस को ब्लू के अंदर कन्वर्ट कर देते हैं। तो ये प्रॉपर्टीज आपको ध्यान में रखनी है, एसिड टर्न्स ब्लू लिटमस इनटू रेड एंड बेस टर्न्स रेड लिटमस इनटू ब्लू। नेक्स्ट प्रॉपर्टीज, इट इज इंपॉर्टेंट, एसिड रिएक्ट विद मेटल एंड प्रोड्यूस्ड हाइड्रोजन गैस। एसिड जो होता है वो मेटल्स के साथ में रिएक्ट करके क्या बनाते हैं, हाइड्रोजन गैस बनाते हैं। एग्जाम्पल लिखा है मैंने H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड। सल्फ्यूरिक एसिड मेटल के साथ में रिएक्ट करेगा और ये बनाएगा आपके साल्ट एंड हाइड्रोजन गैस। तो एसिड जितने भी होंगे वो मेटल्स के साथ रिएक्ट करके हाइड्रोजन गैस प्रोवाइड करते हैं। तो बेस की क्या प्रॉपर्टीज होगी, बेस भी मेटल्स के साथ में रिएक्ट करके हाइड्रोजन गैस बनाते हैं, बट ऑल बेस जो है, जितने सारे बेस जो है वो मेटल के साथ रिएक्ट नहीं करते हैं, यानी कि सारे बेस जो है वो मेटल के साथ रिएक्ट करके हाइड्रोजन गैस प्रोवाइड नहीं करते हैं। क्लियर है? तो ये सेकंड प्रॉपर्टीज हो गई, एसिड रिएक्ट विद मेटल एंड प्रोड्यूस्ड हाइड्रोजन गैस। थर्ड प्रॉपर्टीज, एसिड रिएक्ट विद मेटल ऑक्साइड। एसिड मेटल ऑक्साइड के साथ रिएक्ट करके क्या बनाएंगे, आपके सॉल्ट एंड वाटर फॉर्म करता है। क्लियर है? एसिड रिएक्ट विद मेटल ऑक्साइड टू गिव सॉल्ट एंड वाटर। अब देखिए, जो मेटल ऑक्साइड के साथ में जो सॉल्ट फॉर्म होगा, उस सॉल्ट की जो प्रॉपर्टीज होती है वो कैसी होती है, एल्कलाइन प्रॉपर्टीज होगी। यानी कि जो एसिडिक सॉरी मेटलिक ऑक्साइड के साथ जो एसिड रिएक्ट करेगा, तो उस साल्ट की जो नेचर होती है, यानी कि जो पीएच होती है वो एल्कलाइन नेचर की होगी। क्लियर है? अब बात करें कि जो बेस होते हैं वो कह सकते हैं मेटल ऑक्साइड के साथ रिएक्ट करके जो साल्ट एंड वाटर फॉर्म करते हैं, उनकी नेचर कैसी होती है, उनकी नेचर होगी आपके एसिडिक नेचर। यानी कि जो सॉरी नॉन मेटलिक ऑक्साइड जो बेस होते हैं वो जो एसिड होंगे वो नॉन मेटलिक ऑक्साइड के साथ रिएक्ट करके क्या बनाते हैं, साल्ट एंड वाटर बनाते हैं, बट जो साल्ट फॉर्म होगा उसकी नेचर क्या हो जाएगी, आपके एसिडिक नेचर हो जाएगी। क्लियर है? यानी कि मेटलिक ऑक्साइड के साथ रिएक्ट करेंगे तो बनाएंगे आपके एल्कलाइन साल्ट, और कह सकते हैं कि नॉन मेटलिक ऑक्साइड के साथ अगर रिएक्ट करते हैं तो वो बनाते हैं आपके एसिडिक साल्ट। नेक्स्ट प्रॉपर्टीज, एक्वस सॉल्यूशन ऑफ ऑल एसिड एंड बेस आर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। यानी कि एसिड और बेस का जो एक्वस सॉल्यूशन होता है वह गुड कंडक्टर होगा आपके इलेक्ट्रिसिटी का। यानी कि उस सॉल्यूशन के अंदर जो है वो इलेक्ट्रिसिटी जो है वो पास की जा सकती है।
इसलिए एसिड और बेस को यूज किया जाता है आपके इलेक्ट्रोलाइट्स के अंदर, इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन के अंदर जो है वो इनको यूज किया जा सकता है। एंड लास्ट प्रॉपर्टीज, एसिड रिएक्ट विद बेस एंड लूज देयर प्रॉपर्टीज एंड बिकम्स न्यूट्रल, यानी कि एसिड जो होते हैं वो बेस के साथ में रिएक्ट करके अपनी प्रॉपर्टीज को लूज कर देते हैं, लॉस्ट कर देते हैं, और वे कन्वर्ट हो जाते हैं किसमें, न्यूट्रल सॉल्यूशन के अंदर कन्वर्ट हो जाते हैं। और इस रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं आपके, न्यूट्रल न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन यानी कि एसिड और बेस जब रिएक्ट करेंगे तो वे दोनों एक दूसरे की जो प्रॉपर्टीज होती है उसको लॉस कर देते हैं, क्लियर है, और जो है वो न्यूट्रल कंडीशन के अंदर जो है वो प्रेजेंट हो जाते हैं, और इसे कहा जाता है आपके न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, जो कि हम पहले भी एक बार डिस्कस कर चुके हैं, क्लियर है। तो यहाँ पर जो है वो हमने एसिड और बेस से रिलेटेड जो डेफिनेशन है उनको कंप्लीट किया, और एसिड और बेस की जो प्रॉपर्टीज है वो हम यहाँ पर डिस्कस कर चुके हैं। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे आपके डेली यूजेस जो कंपाउंड है, जो हमारे डेली लाइफ के अंदर जो कंपाउंड्स या जो और कह सकते हैं कार्बनिक मटेरियल्स जो है वो केमिकल्स जो हम डेली यूज में लेते हैं उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। ओके।